नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आर के नए यूट्यूब चैनल में। आज के फिर से एक नई वीडियो में, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नल जल योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार सरकार के तरफ से, यानी कि संवेदक पर 2000 रुपया का जुर्माना लगेगा। अब ये जुर्माना क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, सारी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि संवेदक का काम होता क्या है। तो दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर जो दिखलाई दे रहा है पेपर कटिंग है, 27 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था हिंदुस्तान पेपर कटिंग में। देख सकते हैं हेडिंग में लिखा गया है, यह सुनिश्चित होगा कि किस दिन पेयजल आपूर्ति बंदित रहे, यानी कि एक दिन भी नल जल बंद रहा तब संवेदक पर जुर्माना। ठीक है, अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते और आपको भी बतलाते किस तरह आपको बचना है। अगर आप भी संवेदक हैं, अगर आप भी संवेदक हैं नल जल योजना को, तो आपको ये वीडियो देख लेना बेहद जरूरी है। देख सकते हैं नल जल योजना एक दिन भी बंद रही तो संबंधित संवेदक पर 2000 रुपया का जुर्माना लगेगा। इसको लेकर स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHD ने जिले को सख्त निर्देश दे दिया है। इसकी मॉनिटरिंग नियमित रूप से करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके किस दिन नल जल योजना के तहत हो रही है पेयजल आपूर्ति बंधित नहीं रही है। विभाग मंत्री रामप्रीत पासवान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दे दिया है। ठीक है फ्रेंड, यह बात समझ में आ गई। मंत्री ने कहा कि राज्य में अभी कहीं भी पेयजल संकट नहीं है, पर भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग पूरी तरह से सचेत है। उन्हें कहा कि PHD द्वारा राज्य के 55,544 ग्रामीण वार्डों में नल जल योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें 55,737 वार्डों में यह काम पूरा कर लिया गया है। 1 मार्च से अब तक 30,988 चापाकलों को दुरुस्त किया गया है। चापाकलों का स्थानीय स्तर पर निरंतर जायजा लिया जा रहा है। कहीं भी चापाकल के खराब रहने की सूचना मिलते ही उसे तत्काल ठीक कराया जाता है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में राज्य में सरकारी विद्यालय में पेयजल के लिए नल जल की उपलब्धता की बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के समन्वयन में विद्यालय के मरम्मत योग चापाकलों की सूची प्राप्त कर 7,391 को दुरुस्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये सब खबर निकल कर आ रही है। इसे देख सकते हैं 25 फीट तक भूजल स्तर रहने से समस्या नहीं है। विभाग का सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पेयजल में संबंधित किसी भी स्थिति में निपटने के लिए सभी जिलों में कुल 484 पानी टैंकर तैयार रखा गया है ताकि ज़रूरतों के मुताबिक इन्हें संबंधित जगहों पर तत्काल भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार के या दक्षिण बिहार के कहीं भी भूजल स्तर सामान्य स्थिति में नीचे नहीं हो गया है। उत्तर बिहार में 25 फीट तक भूजल स्तर रहने से कोई समस्या नहीं आती है और सभी जगह पर इससे बेहतर स्थिति, वहीं दक्षिण बिहार में 35 फीट तक सामान्य स्थिति रहती है। हालांकि 60 फीट तक भूजल स्तर जाता है तो पेयजल की कोई समस्या नहीं आती है। यानी देख सकते, PHD मंत्री ने कहा राज्य में कहीं भी पेयजल संकट नहीं है। भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग पूरी तरह से सचेत है। ठीक है, नल जल योजना बंद रहा तो संवेदक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसको लिए क्यों किया गया है, यानी कि गर्मी को देखते हुए कहा गया है, यानी कि अगर 24 घंटा अगर पानी निकलेगा तो सभी लोग पी गए और सही रहेंगे, नहीं तो गर्मी की वजह से पानी न पीने से भी बहुत से लोगों को बीमारियाँ पड़ सकती हैं। तो रिक्वेस्ट, अगर आप भी नल जल के संवेदक है तो पानी सही समय से दीजिएगा ताकि आपको 2000 जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। यानी कि सारा बात इसमें समझा दिया गया है। तो वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ये पेपर कटिंग हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आया तो पेपर कटिंग पढ़ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो करते हैं समाप्त।